वहीं देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकों और एनबीएफसी प्रमुखों के साथ मीटिंग करने वाले हैं और इस मीटिंग के दौरान देखिए पीएम भविष्य के विजन और रोडमैप पर चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना वायरस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था की स्थितियों का जायजा भी लेंगे। तो बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आखिर देखिए, इस बैठक का एजेंडा क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। चर्चा में एजेंडे में लोन प्रोडक्ट और डिलीवरी के लिए प्रभावकारी मॉडल, टेक्नोलॉजी के जरिए फाइनेंशियल सशक्तिकरण और फाइनेंशियल सेक्टर के स्थायित्व और निरंतरता के लिए विवेकपूर्ण तौर तरीके शामिल हैं। पीएम भविष्य के दृष्टिकोण और रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। पीएम पिछले कुछ हफ्ते में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई क्षेत्रों में लोगों के साथ बैठक कर चुके हैं। चिंता की बात इसलिए क्योंकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने आर्थिक वृद्धि पर 3.2 से 9.5% तक की गिरावट का अनुमान जताया है।